हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं चोचो चाल्स। और आज हम लोग इसमें एक नहीं बल्कि तीन तीन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लैंडस्केप ही डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर चार्ल्स यूजिन को मारने आएगा भाई, चार्ल्स खुद ही नीचे गिर जाएगा, देखते ही क्या होता है। ठीक है, उसका पहला एक्सपेरिमेंट यह, दूसरा एक्सपेरिमेंट यह होगा कि जब चार्ल्स हम लोग को मारने के लिए आएगा तो हम ट्रेन को साइज को बिल्कुल ही छोटा कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि चार्ल्स कैसे यूजिन को मारता है। तो यहाँ पर अब चार्ल्स आने वाला है, मैंने लैंडस्केप डिलीट कर दिया। और भाई वो देखिए चार्ल्स को, भाई चार्ल्स गए नीचे, चार्ल्स यूजिन को मारने के लिए आ रहा था लेकिन चार्ल्स जा चुका है बेचारा नीचे, यूजिन को नहीं मार पाया। अभी यूजिन तू क्या चिल्ला रहा है, चार्ल्स मर चुका है, अब गया चार्ल्स। भाई इसका भी ये डायलॉग्स जो है पहले से लोडेड है, इसलिए ये बोलते रहेगा, लेकिन चार्ल्स तो यहाँ पर मर चुका है। तो ठीक है दोस्तों, पहला एक्सपेरिमेंट तो सक्सेस रहा, हमने यूजिन को बचा लिया चार्ल्स से बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि हम लोग यहाँ पर ट्रेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर जैसे ही चार्ल्स जो है यूजिन को मारने के लिए आएगा, हम लोग ट्रेन को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देंगे, फिर देखेंगे कि क्या चार्ल्स मार पाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, अब चार्ल्स आने वाला है यूजिन को मारने के लिए। और यहाँ पर चार्ल्स आ चुका है, हम लोग ट्रेन का साइज़ को फटाफट से डिक्रीज़ करते हैं, और ये हम लोग डिक्रीज़ करना शुरू कर दिए हैं। और भाई साहब कितना ज़्यादा छोटा हो गया कि हमारा सर जो है ट्रेन से बाहर निकल गया है, भाई कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया, और छोटा करते हैं, देखते कितना। अभी हम लोग ट्रेन से बाहर गिर गया, ओ शिट मुझे ट्रेन में जाना होगा वापस से, ट्रेन कहाँ हमारा। ओह भाई ये देखिए ट्रेन हमारा कितना ज़्यादा छोटा है, यूजिन को देखिए भाई। अभी चार्ल्स रुकता हो, एक मिनट भाई रुक जा चार्ल्स, मुझे देखने तो दे कम से कम। ओ शिट मार दिए यूजिन को, और ये देखिए भाई ट्रेन से कितना बड़ा हो गया चार्ल्स, और यूजिन को देखते हैं। ओ भाई साहब कितना छोटा सा यूजिन हमारा हो गया है, दिख भी नहीं रहा है ये तो। भाई साहब ट्रेन से बड़े तो हम लोग ही हो गए यहाँ पर। अभी क्या हम लोग ये ट्रेन को चला सकते हैं भाई, ये ट्रेन को। अभी चार्ल्स का आवाज़ आ रहा है, आई थिंक चार्ल्स इधर कहीं तो है, चार्ल्स का आवाज़ आ तो रहा है मुझे। तो मुझे ट्रेन को चलाना है यार एक बार, सही में एक बार अगर मैं ट्रेन को चला लेता ना तो मज़ा आ जाता। हम लोग अपना भी साइज ना थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हम लोग ट्रेन के अंदर फिट हो सके। नहीं, और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हम लोग को, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा क्या, बस ट्रेन के अंदर हम लोग घुस जाए बस उतना ही काफ़ी है। नहीं, और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इतना आई थिंक इतना से तो हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोग भी बहुत ही छोटा सा बन गया पिद्दी सा, और हम लोग ट्रेन के अंदर तो घुस गए। क्या ट्रेन चलेगा अब? ओह भाई ट्रेन चलने लग गया, और ये देखिए ट्रेन जो है छोटा हो गया, जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है, लेकिन ट्रेन जो है अपना वही स्पीड से चल रहा है, लेकिन छोटे की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड लग रहा है ट्रेन का। और ये देखिए भाई ट्रेन का जो लाइट है वो नीचे आ गया, कितना ज़्यादा रोशनी मार रही है लाइट भाई, सही में यार बहुत मज़ा आ रहा है छोटा सा ट्रेन चलाने के लिए। ये देखिए भाई साहब, अब चार्ल्स मत आ जाना भाई, चार्ल्स आ जाएगा तो हमारी खेड़ नहीं, सही में चार्ल्स हम लोग को मार ही देगा। मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ अभी कितना स्पीड चल रही है, अभी सही में स्पीड चल रही है क्या, मैंने ट्रेन का स्पीड को बढ़ाया ही नहीं, बस ट्रेन का स्पीड तो वही है, बस मैंने ट्रेन का जो साइज़ है बस उसी को कम किया है। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कम करके देखते हैं, अब चला के देखते हैं अब क्या हम लोग चला पाएंगे। हम लोग भी अपना साइज़ थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, अब बस एक बार ट्रेन के अंदर घुस जाओ। अब ट्रेन के ऊपर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन ट्रेन को चलाने के लिए रुकिए एक सेकंड, यहाँ से मैं तुक्का मारता हूँ साइड से बटन जो है दब से। ये देखिए बाहर से भाई कितना ज़्यादा छोटा हो गया भाई, ट्रेन के पटरी का बीच में आ गया ये, इतना ज़्यादा हमारा ट्रेन छोटा हो चुका है। अभी मुझे ये गन चलाना है यार, मुझे एक बार ये गन चलाना है कैसे भी करके, मैं तो चलाऊँगा इसको, एक सेकंड मैं यार मुझे कोई उपाय लगाना पड़ेगा, मुझे गन ये चलाना है भाई, छोटा सा ट्रेन का गन चलाने का मज़ा ही कुछ होगा। मैंने यहाँ पर चार्ल्स का बाजार भाई, चार्ल्स नहीं ना रहे, एक सेकंड थोड़ा सा आगे चलो, एक बार गन पकड़ लो। ओ भाई साहब इतना छोटा ट्रेन का हम लोग गन पकड़ लिए, अभी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है गन चलाने के लिए। देखिए हम लोग पूरा बाहर ही आ जा रहे हैं ट्रेन का व्यू से, अभी चार्ल्स आ गया। ओ शिट रुक चार्ल्स तुमको बता दो, रुक अभी यार हमारा ट्रेन इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि हम लोग चार्ल्स को सही से देख भी नहीं पा रहे हैं। जब चार्ल्स को हम लोग सही से देख नहीं पाएंगे तो हम लोग मारेंगे कैसे इसको। उससे थोड़ा सा हम लोग दूर हट जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए चार्ल्स कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ, देखिए मैं घास में आ जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि मैं घास में भी छुप सकता हूँ। अबे चार्ल्स मुझे मारना मत, अभी चार्ल्स मुझे देख नहीं पा रहा है शायद से, मैं बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हूँ इसलिए चार्ल्स अभी मुझे देख नहीं पा रहा है। अभी इसके बाद तो हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम लोग ट्रेन के साइज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, यूजिन भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखिएगा क्या होगा। ठीक है तो पहले तो ये चार्ल्स को हम लोग यहाँ से भगाना पड़ेगा हम लोगों को। चार्ल्स जो है मुझे कमज़ोर समझ रहा है, वो सोच रहा है कि मैं छोटा हो गया तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा, ये ट्रेन को ना चलाने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, अब मुझे गन पकड़ना होगा, चार्ल्स को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। एक सेकंड एक बार गन पकड़ ले, यस गन तो पकड़ लिया,
तो चार्ल्स तुम क्या सोचते हो, मेरा गन जो है छोटा हो गया, मेरा ट्रेन भी छोटा हो गया, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें हम मार नहीं सकते? मार देंगे भाई, हमारा भले ही गन या ट्रेन छोटा हो गया लेकिन डैमेज अभी भी हमारा गन जो है उतना ही करेगा। चलो कहाँ गया, रुक तुमको बताता हूँ। इसको बहुत बहुत ये इधर से उधर फुदक रहा है ना, इसको हम लोग को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहाँ गया वो, देखिए हम लोग ने चार्ल्स को भगा दिया। तो भले ही हमारा ट्रेन जो है छोटा हो गया लेकिन फिर भी हम लोग चार्ल्स से लड़े और चार्ल्स को भगा दिए। भाई साहब ये देखिए हमारा ट्रेन कितना ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग इसको और छोटा करके देखें क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, इतना से होने वाला नहीं, और छोटा करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना छोटा ये हो सकता है। और छोटा, ओह भाई ये देखिए भाई कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है ट्रेन, अब नहीं चला सकते भाई, अब चला पाते तो और कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। वो देखिए गन कितना ज़्यादा छोटा दिख रहा है हमें गन भी, भाई साहब मज़ा आ गया सही में। हम लोग अपना साइज़ को ना और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कम कर सकता, बस इससे ज़्यादा कम करेंगे तो भाई नहीं हो पाएगा, नहीं तो मैं सही में ट्रेन के अंदर घुस के मैं ये ट्रेन को भी चलाता सही में। भाई साहब देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा छोटा हो गया ट्रेन। तो ठीक है दोस्तों, अब लास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। अभी जैसे ही चार्ल्स मारने आएगा हम लोग अपने ट्रेन का साइज़ को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर देखते हैं क्या होता है, क्या चार्ल्स यूजिन को मार पाता है। तो यहाँ पर चार्ल्स आने वाला है, मैंने ट्रेन को सिलेक्ट कर लिया, अब फटाफट से हम लोग ट्रेन का साइज़ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेन का साइज बढ़ाना शुरू कर दिया, वो देखिए भाई यूजिन हमारा कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और ये चार्ल्स देखिए भाई कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है ट्रेन के सामने। रुकिए मैं अभी बाहर से आपको दिखाऊंगा, पहले हम लोग ट्रेन का साइज़ और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब देखिए पहले हम लोग नो क्लिप मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है, अब हम लोग बाहर से भी पूरा व्यू देख सकते हैं। और ये देखिए भाई साहब यूजिन को देखिए, और ये देखिए चार्ल्स कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है चार्ल्स यूजिन के सामने और ट्रेन के सामने। मुझे नहीं लगता कि अब चार्ल्स जो यूजिन को मार भी पाएगा, क्योंकि चार्ल्स जो इतना छोटा है वो पता है उसका पेड़ भाई यूजिन तक पहुँचेगा ही नहीं, तो यूजिन को आखिर वो मारेगा कैसे? देखिए कैसे बाहर घूम रहा है, वो भी कन्फ्यूज हो गया भाई कि आखिर यूजिन को मारे तो मारे कैसे। भाई साहब वो देखिए चार्ल्स को नीचे से भाई क्या ही मारेगा, अब तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता यूजिन का। चल अब चला जाए यहाँ से। लेकिन ये क्या हुआ, अभी यूजिन को मार दिया इसने कैसे? वो भाई साहब देखिए चार्ल्स इतना छोटा है लेकिन फिर भी उसने यूजिन को पता नहीं कैसे मार दिया, और यहाँ पर चार्ल्स यूजिन को मार के भाग गया। रुकिए मैं आपको सामने से चल के दिखाता हूँ। ये देखिए भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है यूजिन, लेकिन फिर भी चार्ल्स ने आखिरकार इसको मार ही दिया। तो हम लोग इतना बड़ा ट्रेन का साइज करके कोई फायदा नहीं हुआ। भाई साहब देखिए ये देखिए ट्रेन हमारा कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और ये देखिए पेड़। अब क्या हम लोग ट्रेन को ऐसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते यार, अब इस तरह से हम लोग ट्रेन को नहीं चला सकते हैं। गन तो चला सकते होंगे, गन चलाते भाई मज़ा आ जाए इतना बड़ा गन। ओके हम लोग चलते हैं बाहर। यहाँ पर हम लोग पहले आप ये नो क्लिप मोड को पहले हम लोग ऑफ कर देंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको असली साइज़ दिखाऊंगा यूजिन का कि आखिर यूजिन कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। पहले हम लोग ये नो क्लिप मोड को ऑफ कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग अपना नॉर्मल साइज मोड, ये देखिए यूजिन को, भाई साहब कितना ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो, भाई इतना ज़्यादा बड़ा यूजिन को कैसे मार सकता है? अबे ये मैं तो यूजिन के अंदर घुस गया। ओ भाई देखिए यूजिन के अंदर से मुझे सब कुछ दिख रहा है, उसका आँख भी दिख रहा है। अबे यार क्या क्या हो जाता है यह गेम में, बाहर चल कर देखते हैं। देखिए भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है यूजिन, भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी तो हम लोग और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचा कि चार्ल्स नहीं मार पाएगा यूजिन को, लेकिन मार दिया आखिरकार। और हाँ दोस्तों, चोचो चार्ल्स का कुछ नया वीडियोस अभी आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें हम लोग एक चोचो चार्ल्स को दूसरे चोचो चार्ल्स से भी लड़वा सकते हैं। उसके बाद से हेल चार्ल्स भी होगा, हेल चार्ल्स और चोचो चार्ल्स लड़ेगा, और बस चार्ल्स चोचो चार्ल्स भाई सब चार्ल्स को हम लोग आपस में लड़ाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा जब चार्ल्स और चार्ल्स आमने सामने फाइट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं चोचो चार्ल्स का। तो हम लोग यहाँ पर अभी अपना साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ट्रेन को चला सकूँ, लेकिन अभी हम लोग अपना साइज़ को नहीं बढ़ा पा रहे। उठ दिखे भाई गन को भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ, कितना ज़्यादा ऊपर हो चुका है गन की, भाई गन भी नहीं चला सकता अब तो हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।